नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जोहार। आज एक आपको उस मुद्दे से रूबरू कराने जा रहे हैं जिस मुद्दे को लेकर झारखंड हमेशा से सुर्खियों में रहा है कि क्या यहाँ के लोगों को रोजगार मिला नहीं मिला, कितने लोग यहाँ पे बेघर हुए रोजगार स्थापित करने के चलते, आज उनकी स्थिति क्या है। झारखंड बनने से पहले जितने उद्योग लगे उनका कमोबेश आप हाल जानते हैं। झारखंड बनने के बाद एकमात्र इंडस्ट्री लगी और वो भी बहुत बड़े पैमाने पे लगी, वो बोकारो के चंदन कियारी में। चंदन कियारी के विधायक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वेदांता ने उस कंपनी का गठन किया है, लेकिन वहाँ के स्थानीय विधायक जो कभी अपनी सरकार में उनको जमीन दिलाने में मदद किए, आज उसके विरोध में सड़क पर हैं। क्या सरकार बदलने से कल तक जो आपका मित्र था आज दुश्मन हो गया? जी ऐसा है कि पहले इलेक्ट्रो स्टील कंपनी ने वहाँ जमीन लिया, और ये बात सही है कि झारखंड बनने के बाद बहुत सारे एमयूज हुए, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई, लेकिन जमीन देने के बदले में लोगों ने जूतों को माला पहना करके उनको यहाँ से भगाया। चंदन कैरी की जनता ने विकास को प्राथमिकता देते हुए वहाँ जमीन अपनी दिए, इस आशा में कि भई उनको रोजगार मिलेगा, उनके जीवन का उन्नयन होगा। बगल में बोकारो स्टील प्लांट और सारी जगहों को देख करके उनमें आशा जगी थी और उन्होंने जमीन को दिया। इलेक्ट्रो स्टील 2016-17 तक वो चला, फिर वो कंपनी ने बड़े ही गंदे तरीके से इसको चलाया, लोगों को नौकरियां जो कंडीशन पे रखा था वो कंडीशन फुलफिल नहीं किया, नौकरियां नहीं दी, लगातार आंदोलन चलते रहे, आंदोलन को दबाया भी जाते रहा, फिर कंपनी दिवालिया होने लगी, बैंक करप्ट हुआ, बैंक करप्शन के बाद वेदांता जैसी कंपनियां आई। जब हम लोग सरकार में तब वेदांता कंपनी आई, वेदांता ने टेक ओवर लिया तो हम लोगों को उम्मीद थी कि चूँकि बड़ा नाम है वेदांता का और वो आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ के जो रैयत हैं, यहाँ के किसान जिन्होंने ज़मीन दी है उनके हक अधिकार मिलेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन वेदांता आने के बाद एक दो साल आगे निकले, टेक ओवर होकर के हमारी सरकार चली गई। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग जनता के लिए करेंगे, रैयतों के लिए करेंगे, लेकिन करना तो दूर, उल्टे उनको प्रताड़ित करने का काम ही प्रारंभ हुआ। और एक्सपेंशन का वो प्रपोजल लेकर के जब आए तो जो जनसुनवाई होती है, जो पब्लिक हियरिंग होती है एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए, वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको इन्होंने पूरी तरह से फर्जी कर दिया। आपने तो विधानसभा में भी उस मुद्दे को उठाया कि चंदन कियारी में जनसुनवाई होना है लेकिन वो बंद परिसर में करा दिया, अखबार में उसकी सूचना देनी नहीं है तो यहाँ के एक अंग्रेजी अखबार रांची में दे दिया तो लोग कैसे पढ़े। उसके बाद क्या हुआ? मुख्यमंत्री ने तो कहा था हम दिखाएंगे मामले को। आज 3 महीना होने को आ गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन में आश्वासन है लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। उल्टे कंपनी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिल करके जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसको बंद करे हुए बदल करके उसका नाम चेंज करके किया जा रहा है। कंपनी भी सीधे मुख्यमंत्री सरकार से मिल करके वहाँ के हक और अधिकार को मारा जा रहा है। मेरा एक ही डिमांड है कि जो जनसुनवाई, जो पब्लिक हियरिंग, जो जनता का अधिकार है उसको ओपन करा जाए, जैसा सदन में आश्वासन भी मुख्यमंत्री ने दिया है उसको करवाए। साथ ही साथ वहाँ के जो रैयत हैं, जो नागरिक है या जो मजदूर हैं, उन मजदूरों को अपने हक और अधिकार के लिए, जैसे मैनेजमेंट जो है वो वहाँ कंपनी के मालिक के हक अधिकार को अक्षुण रखने के लिए काम करता है, एक मजदूर का अगर किसी का कम पेमेंट दिया जा रहा है, किसी को हटा दिया जा रहा है, किसी को काम से निकाल दिया जा रहा है, कारण बता दिया जा रहा है, उसके हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा? उसके लिए यूनियन का गठन किया गया, यूनियन उन्होंने गठन नहीं किया। हमने कहा है कि जो भी मजदूर चाहे उनके हक अधिकार की लड़ाई के लिए यूनियन का गठन आपको करना है, जिससे आप भाग रहे हैं उसको करना चाहिए ताकि उनका शोषण बंद हो। और शोषण बंद होने से कंपनी के मैनेजमेंट, जहां कंपनी के मालिक की बात रखते हैं, उससे ही मजदूरों का यूनियन मजदूरों के हित की बात रखेगा, निगोशिएट करेगा और उससे लाभ मिलेगा। लेकिन इस सारी बातों से वो भाग रहे हैं और इसी की लड़ाई हमारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंश्योरेंस दिया है कि भाई लोग जो सुनवाई जो परिसर के अंदर में किया गया था वो गलत है, उसको ओपन किया जाएगा, तो उसका डेट कब दे रहे हैं इसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन तो कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि आपको क्रेडिट लेने का होड़ है, तभी तो जब हॉस्पिटल कोविड का जैसा बन रहा है उस कंपनी के सहयोग से, तो भी आप धरना पे बैठ जाते हैं डीसी कार्यालय में। अच्छा एक बात बताइए, बोकारो में 72 अस्पताल हैं जो कोविड का इलाज कराते हैं, 72 या 74, चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में एक CHC छोड़ करके, कम्युनिटी जहाँ पे कोविड का इलाज नहीं होता है, एक भी अस्पताल नहीं है पूरे 50-60 किलोमीटर का, जो अगर पूरा क्षेत्रफल यदि घुमा करके देखा जाए, जहाँ कोविड का इलाज किया जाए। अब प्रतिष्ठान जो है वो चंदन क्यारी में, उसका धूला खाए चंदन क्यारी के लोग, उसका धुआं खाए चंदन क्यारी के लोग। भिलाई का इंडस्ट्रियल दुर्घटना सबको याद है, कल यदि खुदा ना खास्ते किसी प्रकार का यदि उस तरह का कोई घटना होता है तो सबसे ज़्यादा लॉसेस कहाँ होंगे? चंदन क्यारी के लोगों का। जान किसका जाएगा? चंदन क्यारी के लोगों का जाएगा। खेत किसका खराब हो रहा है? चंदन क्यारी के लोगों का खराब हो रहा है। जो जिस खेत में किसान हर साल अन्न उपजाता था, आज वहाँ छाई की मोटी परतें बैठी हुई है। जिस जोड़िया से वो लोग अपना नहाना धोना है, खाने पीने का भी काम है, उसमें से उसके जो है वो केमिकल्स बहाए जा रहे हैं। अब इतना कुछ सहने के बाद भी आज पूरे चंदन कैरी में 12-13 साल हो गया उनके स्थापना काल का, इस कंपनी का, ना उन्होंने एक बेड का अस्पताल बनाया, ना एक स्कूल खोला, ना CSR के माध्यम से कहीं पे पार्क का निर्माण किया, ना कहीं पे नया शहर बसाया जहाँ से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। सभी को नौकरी नहीं मिल सकता है, लेकिन कहीं मार्केट का डेवलपमेंट होता है तो उससे सहयोगी बहुत सारे इकोनॉमिक का जनरेशन होता है और लोग खाते पीते हैं। जैसे बोकारो में ही अगर 50,000 यदि एम्प्लॉयमेंट है तो 5 लाख की आबादी उससे जीते खाती है। यहाँ 5,000-10,000 का यदि आबादी है तो कम से कम 20-50 हज़ार लोग भी उससे एसोसिएट होकर के जी सकते हैं। ऐसा तो आपने कुछ नहीं किया। अब कोविड के लिए भी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर लोगों को चल के, बोकारो में तो ऑलरेडी सारी चीज़ें थी, हमारा यही विरोध था कि भी सब जब सब कुछ है चंदन क्यारी के लोग करें तो हॉस्पिटल भी चंदन क्यारी में खोलना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने और कंपनी ने मनमानी करके बोकारो में खोल दिया, और बोकारो में खोल करके आज चला रहे हैं। चंदन कैरी का हक अधिकार को लूटने का काम किया है, और कहीं ना कहीं भी आने वाला वक्त बताएगा कि भाई ये जो कोविड अस्पताल खोलने के पीछे कुछ आर्थिक हित भी कुछ लोगों का जुड़ा हुआ है क्या? इला समय का काल नहीं, वो तो सवाल अब उठ रहा है। धीरे धीरे लोग ये कह रहे हैं कि भाई बोकारो में तो बहुत सारा जगह है, बिल्डिंग है जहाँ पे अस्पताल खोला जा सकता था टेंट में, और उतना खर्च करके क्यों खोला गया? बाकी वो तो पैसा कहीं दूसरे जगह भी उपयोग में लाया जा सकता था। ये तो अब सवाल हर जगह चहूँ और गूंज रहा है एक तरह से। एकदम आपका कहना दुरुस्त है, बहुत सारे अनयूज बड़े बड़े स्कूल और सरकारी बिल्डिंगे हैं, जितनी लागत लगा करके इसको अस्थायी तौर पे किया गया, तो उसका यदि आधा लागत भी, जैसा पता चला कि 18 करोड़ के करीब का योजना है, अगर हमको लगता है 4-5 करोड़ रुपया भी किसी बने बनाए किसी बिल्डिंग में खर्च करके, तो परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाता है कि वेदांता के लिए ही एक अस्पताल की, एक कंपनी के लिए परमानेंट अस्पताल की हो जाती। आज वहाँ यदि खुला है तो उसका क्या इफेक्ट है, क्या करना है, अब तो प्रशासन ही बताएगा, क्योंकि कोविड महामारी का समय है, बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन समय जरूर बताएगा, समय आएगा तो इसका जवाब सबको देना होगा। जब लेकिन विपक्ष के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ वहाँ विधायक हल्ला कर रहे हैं, आम जनता हल्ला कर नहीं रही है, आम जनता कंपनी के साथ है। बोले कभी कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन, बहुत बड़ा सड़क जाम, बहुत बड़ा आंदोलन कभी हुआ, विधायक जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, कभी सिग्नेचर कैंपेन ड्राइव चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं। मतलब कंपनी को विधायक से प्रॉब्लम है, विधायक को कंपनी से प्रॉब्लम हो सकता है, आम जनता खुश है, नेता वहाँ के वैसा कह रहे हैं। जिस दिन कोरोना का प्रोटोकॉल ना रहे और जिस दिन भी सरकार ये कहे कि वो चंदन कैरी की जनता बताए कि भी इस आंदोलन के साथ और ये जो मुद्दे हमारे हैं ये मुद्दे के साथ उनका कितना वास्ता है, आप जिस दिन बताइएगा चंदन कैरी सड़क पे आकर के अपनी ताकत और इस मुद्दे पे अपना समर्थन दिखा देंगे। जन सुनवाई में जब हम लोगों ने किया तो 5,000 की भीड़ तो ऐसे ही आ गई थी। इतना प्रपंच रचने के बाद कंपनी द्वारा इतना भयादोहन, पैसा का देना और सभी विपक्षी लोगों को एक साथ एक खड़ा करके उसको विफल करने के प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने जो खुली जन सुनवाई की उसको चैलेंज करके, उसमें तो 5,000 के लोग ऐसे ही आ गए थे। जनता हमारे साथ है, मुद्दे हमारे साथ है, सारे लोग आज उसके साथ खड़े हैं, और जब भी कोरोना का प्रोटोकॉल इजाज़त देता है कि जन प्रदर्शन करिए
उसे चंदनगढ़ की जनता दिखाएगी कि विधायक के साथ चंदनगढ़ की जनता है कि नहीं है, इस मुद्दे के साथ चंदनगढ़ की जनता है कि नहीं है। कंपनी उस दिन को आने से बचे, उस दिन नहीं आए। कंपनी यहाँ चल रही है, चलनी चाहिए, हम लोग का सहयोग है, लेकिन जो पब्लिक के ग्रीवांसेज है, इतने दिनों तक आपने एड्रेस नहीं किया है, अब एड्रेस आपको करना होगा। जब तक एड्रेस नहीं कीजिएगा तब तक हम चुप होकर के अपने नहीं बैठेंगे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। ठीक है, तो विधायक का यही मानना है कि सरकार या तंत्र या प्रशासन भले ही जोर लगा ले, आम जनता का ये बात है, वैसा वो ये वक्त नहीं आना चाहते, कामना नहीं करते कि जब लोग कंपनी में ताला मारने के लिए आगे आ जाएं। सर उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार जो आश्वासन विधानसभा में दी है या जो वहाँ समस्या है उसका सॉर्ट आउट करे, ताकि अगर भविष्य में कोई और भी कंपनी झारखंड में लगेगी तो लोग खुशी खुशी अपनी ज़मीन देने को सामने आएंगे, अगर उनके साथ न्याय होगा। शुक्रिया। thefollowup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in